दोस्तों, जिस तरह से एक दिन में कई बार धूप और कई बार छांव आती जाती है, ठीक उसी प्रकार से हमारे जीवन में भी सुख और दुख का आना जाना लगा ही रहता है। लेकिन हमारा ध्यान केवल दुखों पर होता है और हमें ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे जीवन में केवल दुख ही हैं। लेकिन अगर वास्तविकता देखी जाए तो हमें ये पता चलेगा कि वास्तविक तौर पर हमारे जीवन में केवल एक ही दुख है। लेकिन वो कौन सा दुख है जिसके कारण हम हमेशा दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं, चिंतित रहते हैं? वो एकमात्र दुख क्या है? चलिए इसे आज की बौद्ध कहानी के माध्यम से समझते हैं और ये भी जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर उसका समाधान क्या है और अपने दुख को नियंत्रित करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटा सा राज्य था। उस राज्य में एक व्यापारी रहता था जो बहुत अमीर था, जिसके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। उसके पास वो सारी सुख सुविधाएं थी जो वह चाहता था। उसका एक पुत्र भी था जो अब युवा हो चुका था। उस व्यापारी के पुत्र ने अब तक अपने जीवन में कोई दुख नहीं देखा था। जो भी वह चाहता था वह व्यापारी उसे सब कुछ लाकर दे देता था, जिस कारण उसने अपने जीवन में किसी प्रकार के दुख का अनुभव अब तक नहीं किया था। उस व्यापारी के पुत्र के कई सारे मित्र भी थे। उसके पास अथाह संपत्ति थी, धन दौलत की उसके पास कोई कमी नहीं थी। लेकिन एक दिन अचानक वह व्यापारी बीमार पड़ गया और देखते ही देखते उसकी बीमारी ने उस पर पूरी तरह से पकड़ बना ली थी। वह व्यापारी अपने जीवन की आखिरी सांसें गिन रहा था। अब उस व्यापारी को यह प्रतीत होने लगा था कि अब वह नहीं बच पाएगा, उसका अंतिम समय आ चुका है। इसलिए उसने अपने पुत्र को अपने पास बुलाया और उसे कहा, बेटा, तुमने आज तक केवल सुख ही देखा है। तुम्हें जो कुछ चाहिए था वो मैंने सब कुछ तुम्हें ला कर दिया, इसलिए तुमने आज तक दुख का अनुभव नहीं किया। दुख क्या होता है ये तुम्हें पता तक नहीं, और इसी बात की चिंता मुझे खाए जा रही है कि जब तुम्हारे पर दुखों के बादल मंडराएंगे तो तुम सह नहीं पाओगे। इसलिए आज मैंने तुम्हें यहां पर बुलाया है। मैं बस आखिरी समय पर तुमसे यह कहना चाहता हूं कि तुम सावधान रहना, मेरी मृत्यु के बाद तुम्हारे अपने ही तुम्हारे दुखों का कारण बन जाएंगे। इतना कहकर वह व्यापारी मृत्यु को प्राप्त हो गया। उस व्यापारी का पुत्र अपने पिता की मृत्यु पर बहुत दुखी था, वह रो रहा था। तभी उसके पास उसका एक मित्र आया और वह उसे समझाते हुए कहता है, मित्र, तुम रो क्यों रहे हो? तुम्हारा पिता ही मरा है, लेकिन तुम्हारे पास तो अब भी ये सारी धन दौलत है, ये सारी संपदा है, ये सारी संपत्ति तुम्हारी ही तो है। अब तो तुम उन चीजों का भी आनंद ले सकते हो जिनका आनंद तुम अपने पिता के रहते नहीं ले पाए। अपने मित्र की यह बात सुनकर वो बड़ा प्रसन्न हुआ और उसे भी इस बात का एहसास हो चुका था कि उसके पास अथाह संपत्ति है, धन है, दौलत है, जिसकी मदद से वो अपना जीवन खुशी खुशी बिता सकता है। लेकिन इसी धन संपदा के कारण वह अब बुरी आदतों का शिकार भी हो चुका था। वह वैश्याले जाने लगा था। उसे हर प्रकार का नशा करने की आदत लग चुकी थी। जहां उसका मन करता वो वहां चला जाता। जब भी उसका मन करता वो किसी को भी अपने घर बुला लेता, फिर चाहे दिन हो या रात, जो भी उसका मन करता वो खरीद लेता, क्योंकि उसके पास अथाह संपत्ति थी। और तो और उसके पिता का सारा व्यापार भी अब उसी के हाथों में था और अब वो बहुत खुश था। वो अपने जीवन को अपनी मर्जी के हिसाब से जी रहा था। एक दिन उसके मन में ख्याल आया कि पिता ने मुझे बेवजह ही डरा दिया कि लोग मेरा फायदा उठाएंगे, मेरे दुश्मन बन जाएंगे, मेरे दुखों का कारण बन जाएंगे। लेकिन अब तो मैं और भी मजे से जी रहा हूं। मेरे सुख के दिन तो अब आए हैं। मैं आज तक जो नहीं कर पाया था वो सब करने में अब मैं सक्षम हूं। यह सब सोचकर उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वो बहुत खुश था। तभी एक दिन उस राज्य में
एक बहुत बड़ा मंदिर का निर्माण हो रहा था और उस मंदिर के निर्माण के समय पर एक घोषणा करवाई गई कि जो भी इस मंदिर के लिए सबसे अधिक दान देगा उसका नाम उस मंदिर के एक पत्थर पर स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। जब उसके मित्र ने यह बात सुनी तो वह दौड़ा दौड़ा उसके पास आया और उसे सारी बात बता दी। तब उस व्यापारी के पुत्र ने यह तय किया कि वह मंदिर को सबसे बड़ा दान देगा और उसने ऐसा ही किया और साथ ही यह भी निश्चित हो गया कि उसका नाम उस मंदिर के एक पत्थर पर स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। लेकिन जब वह दान देकर वापस घर की ओर लौट रहा था तो रास्ते में उसे एक साधु मिले जो भोजन की याचना कर रहे थे। इस पर वह घमंडी व्यापारी का पुत्र कहता है, तुम जैसे लोग केवल दो वक्त की रोटी के लिए हमेशा चिल्लाते रहते हो, पता नहीं तुम लोग कहां से आ जाते हो और भगवान तुम लोगों को पैदा ही क्यों करता है। तुम लोग गंदगी हो, तुम लोग दुख हो, तुम्हें जीने का कोई हक नहीं। केवल अपना पेट भरने के लिए, दो वक्त की रोटी के लिए तुम किसी के सामने भी झुक जाते हो। यदि झुकना ही है तो उस ईश्वर के सामने झुको, शायद वह तुम्हारी गलतियों को माफ करते और तुम्हें एक अच्छा जीवन प्रदान करे। हो सकता है वह तुम्हें भोजन भी दे दे। वो लड़का उन साधु को खरी खोटी सुनाकर वहां से चला गया। धीरे धीरे उस लड़के के पास उसके मित्रों, सहयोगियों और रिश्तेदारों की संख्या बढ़ने लगी। अब हर कोई उससे बिना पूछे कोई काम नहीं करता था, हर चीज में उसी से पूछा जाता था, जिस कारण उस लड़के को लगने लगा था कि अब मेरे बिना कोई काम नहीं हो सकता, जो भी हूं मैं ही हूं। जिस कारण उस लड़के का अहंकार अब सातवें आसमान पर था। सभी लोगों ने उसका मन जीत लिया था, सब लोग उसके विश्वास पात्र बन चुके थे। उस लड़के के पास अपार धन था जिस कारण सब उससे जुड़े हुए थे, लेकिन यह बात उस लड़के को समझ नहीं आ रही थी। सभी लोग विश्वास के नाम पर अब उस लड़के से धन उधार लेने लगे थे और वह भी खुशी खुशी लोगों को धन उधार में दे दिया करता है। जो कोई उससे धन उधार लेने आता वह जितना मांगता वो उसे ज्यादा ही उन्हें दिया करता, क्योंकि वह सभी के नजरों में अपने आप को साबित करना चाहता था, वह अपने आप को महान दिखाना चाहता था। लेकिन धीरे धीरे उसकी बुरी आदतों के कारण अब उसका व्यापार चौपट होने लगा था। देखते ही देखते एक दिन व्यापार में उसे बहुत बड़ा घाटा हुआ, उसका पूरा व्यापार कर्ज में डूब गया। अब वह बहुत परेशान हो चुका था, बहुत चिंतित हो चुका था। उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह सब क्या हुआ, मेरे पास तो कुछ समय पहले अपार धन था और आज मेरे ऊपर बहुत बड़ा कर्जा है जिसे मुझे चुकाना ही होगा। तभी उसे वो उधार दिया हुआ धन याद आया जो उसने अपने मित्रों और सहयोगियों को दिया था, अपने रिश्तेदारों को दिया था। उसने सभी से वो अपना दिया हुआ कर्ज वापस मांगना शुरू किया, लेकिन किसी ने भी उसका दिया हुआ कर्ज उसे वापस नहीं दिया, बल्कि लोगों ने उसे धुतकार कर वहां से भगा दिया। वह एक एक करके सभी के पास गया, लेकिन किसी ने उसकी कोई मदद नहीं की। देखते ही देखते उसका सब कुछ बिक गया, अब उसके पास कुछ न था, वह सड़क पर आ चुका था। तभी वह यह सोचने लगा कि अपने सुख के दिनों में मैं यह नहीं जान पाया कि मैं अपने शत्रुओं से घिरा हुआ हूं। मेरे पिताजी सही कहते थे कि मेरे अपने ही मेरे दुखों का कारण बनेंगे। पिताजी आपका धन्यवाद, लेकिन मैं आपकी बातों को समझ नहीं पाया और आज देखिए क्या हो गया। वह सारा दिन यहां से वहां भटकता रहा और सोचता रहा कि अब आगे क्या होगा, वह कैसे खाएगा, कहां रहेगा और कैसे सोएगा। उसे अपने पिता की याद सता रही थी, वह उन्हें याद कर करके रो रहा था, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी और अब धीरे धीरे उसे भूख भी लग रही थी। तभी उसने सोचा कि मैं उसी मंदिर पर चलता हूं जहां पर पत्थर पर मेरा नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है, मैं जाकर वहां पर कुछ मदद मांगता हूं। वह वहां पहुंचा और वहां के पुजारी से वो कहता है, पुजारी जी आपने मुझे पहचाना, मैं वही हूं जिसने इस मंदिर को सबसे बड़ा दान दिया है और मेरा नाम इस मंदिर के पत्थर पर स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। हालांकि इस समय मेरे हालात कुछ खराब है,
और मेरे पास खाने के लिए भी कुछ नहीं है। क्या आप मुझे कुछ भोजन दे सकते हैं? मैं भूखा हूँ, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। मेरे अपनों ने मुझे धोखा दे दिया है। क्या आप मुझे कुछ भोजन दे सकते हैं? तभी वह पुजारी कहता है, भिखारियों को भोजन इस मंदिर के बाहर दिया जाता है, मंदिर के अंदर नहीं। जाओ और जाकर बाहर बैठ जाओ। और रही बात तुम्हारे नाम की, तो भिखारियों का नाम मंदिर के पत्थर पर स्वर्ण अक्षरों में नहीं लिखा जाता। पुजारी ने तुरंत ही उस लड़के का नाम मंदिर के उस पत्थर पर से हटवा दिया और फिर एक बार घोषणा करवा दी कि मंदिर को जो सबसे बड़ा दान देगा उसका नाम इस मंदिर के पत्थर पर स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। यह सब देखकर वो लड़का बड़ा हैरान था, बड़ा अचरज में था। वह मन ही मन रो रहा था और सोच रहा था कि यह जीवन कितना दुखदाई है, यह जीवन बहुत छोटा है। अब मैंने जान लिया कि पत्थर पर लिखा हुआ नाम भी मिटाया जा सकता है, और यदि पत्थर पर लिखा हुआ नाम मिटाया जा सकता है तो इस जीवन का क्या मोल, यह जीवन भी कभी भी समाप्त हो सकता है। उस लड़के को जोरों की भूख लगी थी। वह मंदिर के बाहर जाकर एक कोने में बैठ गया। लोग आते रहे और भिखारी को कुछ न कुछ दान देते रहे, लेकिन वह लड़का, उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वह भीख मांग सके, और ना ही वह उन भिखारियों में बैठना चाहता था। देखते ही देखते दोपहर से रात का समय हो चुका था, लेकिन अब तक उसे कुछ भी ना मिला था। लेकिन उसकी भूख बढ़ती चली जा रही थी और उसे जोरों की भूख लगी थी। पहली बार उसने अपनी भूख को जाना था, अपने पेट की इस आग के बारे में जाना था, और इस भूख के कारण वह इतना परेशान हो चुका था कि उसने तय किया कि वह मंदिर से ही कुछ चुरा लेगा और उसे खाकर अपना पेट भर लेगा। जैसे ही वो वहां से उठता है तभी वह साधु वहां पर आ जाते हैं जिसे उस लड़के ने बहुत खरी खोटी सुनाई थी। वह साधु उस लड़के के पास आकर कहते हैं, बेटा हम पहले भी मिल चुके हैं। वह साधु भिक्षाटन से वापस लौट रहे थे। उन्होंने कुछ भोजन उसे देते हुए कहा, ये लो खा लो, तुम्हें जोरों की भूख लगी होगी। मैं तुम्हें जानता हूं, मैं समझता हूं कि ये हालात तुम्हें जबरदस्ती झुकाना चाहते हैं, लेकिन तुम लोगों के सामने झुकना नहीं चाहते। लेकिन अगर तुम लोगों के सामने झुकोगे नहीं तो तुम्हें भोजन भी नहीं मिलेगा। आज तो मैंने तुम्हें भोजन दे दिया है जिससे तुम्हारी भूख मिट जाएगी, लेकिन यह भूख रोज लगेगी। यह पेट की आग कभी नहीं मिटती। यह एक ऐसी बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं। भूख से बड़ी बीमारी इस दुनिया में कोई है ही नहीं। इस पर वह लड़का उन साधु से कहता है, जब मेरे पास धन था, दौलत थी, अथाह संपत्ति थी, तो मेरे पीछे मेरे मित्रों की, सहयोगियों की, रिश्तेदारों की कतार लगी रहती थी। सभी लोग मेरे शुभचिंतक थे, लेकिन मेरे ऊपर दुख आते ही वो सब पलट गए। वो सब अब मेरे शत्रु बन चुके हैं। लेकिन तुम, जिसे मैंने इतनी खरी खोटी सुनाई थी, वही मेरे दुख में मेरा सहयोगी बना है। तुम मेरे इस दुख में मेरे पहले मित्र हो, मेरे पहले रिश्तेदार हो जिसने मुझ पर दया की है। मैं तो अपने आप को बहुत बड़ा समझता था, लेकिन देखो इस वक्त की मार ने मुझे कहां से कहां पहुंचा दिया। आज मैं इस बात को अच्छी तरह समझ चुका हूं कि धन से बड़ा कोई मित्र नहीं। इतना कहकर उस लड़के ने भोजन किया और उसने पहली बार भोजन के सुख का आनंद उठाया। उसके हाथ कांप रहे थे। वह जल्दी जल्दी उस भोजन को समाप्त करना चाहता था, जल्दी जल्दी उसे चबा लेना चाहता था, और उसकी आंखों से झरझर आंसू भी बह रहे थे। उसे ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो आज से पहले ऐसा लजीज भोजन उसने आज तक न किया हो। भोजन करते वक्त जो अनुभव उसे प्राप्त हुआ, ऐसा अनुभव उसे आज तक नहीं मिला था। तभी वह साधु से कहता है, ये कैसा सुख है, मैं इस दुख में भी इस भोजन के सुख का अनुभव कर पा रहा हूं। तभी वह साधु कहते हैं, जहां तृप्ति होती है वहां सुख का अनुभव होता है, लेकिन सावधान, तृप्ति बहुत खतरनाक भी होती है। जब यह तृप्ति हमारी आवश्यकताओं, हमारी इच्छाओं से ऊपर उठ जाती है तब यह दुख के दर्शन भी हमें कराती है। आज जो भोजन तुम कर रहे हो, ऐसा भोजन यदि तुम्हें पहले प्राप्त होता तो तुम इसे
छूते तक नहीं, लेकिन आज इसी भोजन को करके तुम्हें तृप्ति मिल रही है। लेकिन जब तुम्हारे पास धन था, दौलत थी, तब तुमने इससे भी अच्छा भोजन किया होगा, लेकिन तब तुम्हें तृप्ति नहीं मिली होगी, वह सुख प्राप्त नहीं हुआ होगा जो तुम आज अनुभव कर रहे हो। लेकिन सावधान, अगर ऐसा ही भोजन तुम्हें रोज मिलता रहे तो तुम और भी अच्छे भोजन की कामना करने लगोगे और इसी कामना की तृप्ति के लिए तुम्हारे मन में दुख पैदा होगा। और जब तुम अपने मन की इस कामना की तृप्ति कर दोगे तो तुम्हें सुख भी प्राप्त होगा, लेकिन यह सुख आएगा और चला जाएगा। और जब तुम्हारे जीवन में इसी प्रकार के भोजन हमेशा आते रहेंगे और जाते रहेंगे तो तुम किसी और कामना, किसी और इच्छा की ओर आगे बढ़ने लगोगे। तब तुम किसी और इच्छा की पूर्ति करना चाहोगे, तुम किसी और इच्छा की तृप्ति करना चाहोगे। और जब वो इच्छा पूरी नहीं होगी, जब तुम्हें तृप्ति नहीं मिलेगी तो तुम्हें दुख होगा, तकलीफ होगी, पीड़ा होगी। और यह श्रृंखला ऐसे ही आगे बढ़ती चली जाएगी। तुम हमेशा सुख के पीछे भागोगे, लेकिन दुख तुम्हारे पीछे यूं ही भागता रहेगा। तुम सुख को पकड़ना चाहोगे, दुख तुम्हें पकड़ना चाहेगा। इसी प्रकार यह प्रक्रिया यूं ही निरंतर चलती रहेगी। तभी वह साधु अपने थैले में से एक सोने की थैली निकालकर उस लड़के के हाथ पर रख देता है। तभी वह लड़का उस साधु से कहता है, हे महाराज, आपके पास इतना धन कहां से आया? आप तो एक वैरागी हैं। तभी वह साधु उस लड़के से कहता है, यह धन तुम्हारा ही है। उस दिन जब तुम मुझे खरी खोटी सुनाकर अपने घर की ओर आगे बढ़ रहे थे, तभी तुम्हारी जेब से यह सोने के सिक्कों से भरा हुआ थैला नीचे गिर पड़ा और मैंने इसे उठाकर अपने पास रख लिया, ये सोचकर कि जब तुम मुझे मिलोगे तब मैं इसे तुम्हें लौटा दूंगा। लेकिन उस दिन के बाद से आज तुम मुझे मिले हो, इसलिए मैं तुम्हें इसे लौटा रहा हूं। ले लो, ये तुम्हारा ही है। इस पर वह लड़का कहता है, हे महाराज, इसी धन के लिए तो मुझे मेरे मित्रों ने, मेरे सहयोगियों ने, यहां तक कि मेरे रिश्तेदारों ने भी मुझे धोखा दिया, लेकिन आप वो पहले शख्स हैं जो मुझे ये धन लौटा रहे हैं। और वहीं पर जो मैंने धन, जो कर्ज मैंने अपने मित्रों, अपने सहयोगी, अपने रिश्तेदारों को दिया था, अपने बुरे समय पर जब मैंने उनसे वो मांगा तो उन सभी ने वो धन देने से मुझे मना कर दिया। कईयों ने तो मुझे खरी खोटी सुनाकर अपने घर से धक्के मार कर निकलवा दिया। लेकिन आप महाराज वो पहले शख्स हैं जिन्होंने मेरे इस बुरे समय पर मेरा साथ दिया है, मेरा धन मुझे वापस लौटाया है। मैं आपकी सहायता के लिए आपका आभारी हूं। मैं इस धन से अपना व्यापार फिर से शुरू करूंगा और उस व्यापार को नई ऊंचाइयों तक ले जाऊंगा। तभी वो साधु उस लड़के से कहते हैं, हमें कोई दुख नहीं देता, बल्कि दुख के कारण तो हम स्वयं ही होते हैं। हम स्वयं ही खुद को धोखा देते हैं। सुख में हम भ्रमित रहते हैं, हमें ये पता नहीं चलता कि हम सही कर रहे हैं या गलत। और इसी प्रकार हम एक माया जाल में फंसते चले जाते हैं, क्योंकि सुख में हम अपनी आंखें बंद करके बस उस सुख का आनंद लेते हैं और हम किसी चीज की तरफ ध्यान नहीं देना चाहते। हम नहीं जानना चाहते कि जीवन मीठा है तो कड़वा भी है, सच है तो झूठा भी है। सुख में हम केवल अपने अहंकार को बढ़ावा देते हैं। तभी इस पर वह लड़का कहता है, आप ठीक कहते हैं, जब मेरे पास धन दौलत थी अथवा संपत्ति थी तब मैं अंधा हो चुका था। मैं किसी चीज पर ध्यान नहीं देता था, मैंने उसे अपने इन दोनों हाथों से लुटाया है और आज जब वह मेरे पास नहीं है तब मुझे उसके जाने का एहसास हो रहा है। और अब जबकि मैं इन दुखों से जूझ रहा हूं तब जाकर मेरी आंखें खुली हैं। तभी मैं ये भी जान पाया कि कौन मेरे साथ है और कौन मेरे खिलाफ। और ये जो ज्ञान दुख द्वारा मुझे प्राप्त हुआ है, ये ज्ञान मैं हमेशा अपने साथ रखूंगा, अपने सुख में भी अब से अपनी आंखें खुली रखूंगा। दोस्तों, मानव शरीर में बहुत ऊर्जा है, बहुत शक्ति है, पर हम उन्हें बेकार की चीजों में यूं ही व्यर्थ कर देते हैं, बेकार के कामों में लगा देते हैं, जिससे हमारा पूरा जीवन यूं ही व्यर्थ हो जाता है। हम में से अधिकांश लोग
हमेशा अपने आप को कोसते होंगे, उस ऊपर वाले को यह दोष देते होंगे कि आखिर मैं इतना दुखी क्यों हूं। और हमें से अधिकांश लोगों के मन में यह सवाल तो उठता ही होगा, पर इसका जवाब बड़ा सीधा और सरल है, क्योंकि वो परमात्मा चाहता है कि हम उस दुख का अनुभव करें। वो परमात्मा हमें उस परम दुख तक ले जाना चाहते हैं जहां पर हमें यह पता चल सके कि इंसानी आत्मा का असली दुख क्या है, और वह दुख है अपने आप को ना पहचान पाना, अपनी शक्तियों को ना पहचान पाना, अपने आप को ना जान पाना, अपने आप को इकट्ठा ना कर पाना, अपने आप को नियंत्रित ना कर पाना। हमारे जीवन में केवल एकमात्र यही दुख है, क्योंकि हम अपने आप पर कभी ध्यान नहीं देते, अपने आप को एकत्रित करने का कभी प्रयास तक नहीं करते। लेकिन इस दुख को ना देखकर हम बाकी के इधर उधर के दुख को देखकर हमेशा चिंतित रहते हैं, परेशान रहते हैं, और अपना पूरा ध्यान उन्हीं दुखों पर लगाए रहते हैं। लेकिन जो वास्तविक दुख है, इस पर हमारा ध्यान कभी जाता ही नहीं। लेकिन वास्तविकता तो यही है कि जब भी हमारे जीवन में कोई दुख आता है तो हमारा ध्यान खुद पर होना चाहिए कि आखिर मैं दुखी क्यों हूं, मैं क्या हूं, मैं क्यों हूं। और जब ये एकमात्र दुख आपके जीवन में आपको नजर आने लगता है, तब आप ध्यान की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं, आप अपने आप को खोजने की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं, और तब आपके सामने कोई भी समस्या बड़ी नहीं रह जाती। आप किसी भी बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान सरलतापूर्वक कर सकते हैं। इसलिए खुद को जानिए, खुद को पहचानिए, क्योंकि जो शक्ति, जो क्षमता आपके भीतर है, वो किसी और के पास नहीं है। आप उस परम शक्ति का एक रूप हैं। आप अपनी शक्ति को पहचानिए, जानिए आप कौन हैं, क्या हैं। उसके बाद आपके सामने किसी प्रकार का भी दुख टिक नहीं पाएगा, और आप हर परिस्थिति में खुश रहना सीख जाएंगे। दोस्तों, उम्मीद है कि आपने आज की इस वीडियो से जरूर कुछ ना कुछ सीखा होगा। तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, और हमें ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को जरूर दबा दें। तो चलिए मिलते हैं इसी एक और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।